दोस्तों ये है कि SDS प्लस एडप्टर ड्रिल चक के लिए इस तरह की बड़ी हैमर ड्रिल मशीन से अगर आपको ड्रिलिंग करना है, जैसे नॉर्मल हमारे छोटे मोटे ड्रिल मशीन काम करते हैं उस तरह के अगर काम आपको लेना है तो इस एडप्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगा। इस तरीके की चक को जो है इस चक में फिट करने के लिए, तो यहाँ पे एक एडप्टर मिलता है, एडप्टर स्क्रू वाला रहता है, तो एडप्टर जो है मैं निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों एडप्टर हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि ये रहा शैंक इसकी बनी हुई है SDS प्लस की, जैसे इस मशीन की ड्रिल बिट्स आती है उसी की तरह इसको बनाया गया है। बाकी ये जो थ्रेड है ये आपकी ड्रिल चक में लग जाएगा, बस ड्रिल चक की जो थ्रेड है वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे ड्रिल चक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, ये 13 mm का है, 13 mm है या 10 mm है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है हाफ 20 UNF, ये जो है इसका थ्रेड मेंशन किया गया है कौन सा थ्रेड है ये, तो ये दोनों सेम सेम है इसलिए लग जाएगा। किसी किसी में इसमें जो है जो थ्रेड टाइप रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा, तो वो फिट नहीं होगा, इसकी थ्रेड्स ख़राब हो जाएगी, डैमेज कर देगा, तो इस बात का ध्यान आपको रख के इसको फिट करना रहता है। इसको फिट करना बहुत ही आसान रहता है, पहले तो ये जो स्क्रू है ये उल्टी डायरेक्शन की स्क्रू रहती है, तो इसे क्लॉकवाइज जो है ये ढीला होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये टाइट हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जो है ये उल्टा थ्रेडिंग वाला स्क्रू दिया गया है ताकि इस चक को जो है मजबूती से ये पकड़ बना के रख सके। तो दोस्तों देखिएगा मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये लूज हो जाएगा, देख सकते हैं क्लॉकवाइज से ये खुल जाता है और एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज से खुलता है और एंटी क्लॉक से टाइट होता है। तो ये उल्टी थ्रेड वाली स्क्रू दिया गया है, स्क्रू आप अगर लॉन्ग टाइम काम में लेते हो इस चक को, इस एडाप्टर से अगर परमानेंटली लगा देते हो तो आप इस स्क्रू को लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे परमानेंटली नहीं लगा रहा हूँ इसलिए स्क्रू को जो है मैं साइड में रख दूँगा, इसी की पैकेट में रख दूँगा। ये जो चीज़ है ये लगभग डेज ज़्यादा प्राइजिंग नहीं रहता है, 100-150 में इजीली मिल जाएगा, किसी केस में आपको जो है 50-60 रुपये में मिल सकता है। तो देख सकते हो इसको मैं लगा रहा हूँ और इसकी सीधी है कि ये क्लॉकवाइज टाइट होगा एंटी क्लॉकवाइज लूज होगा। इसको लगाने के बाद जो है हम इसे मशीन में फिट करेंगे, मशीन में फिट करना बहुत ही आसान है। जैसे इस मशीन में अगर ड्रिल पीट वगैरह बैठती है बिल्कुल ईजी, तो इसको से प्लग करना रहता है, यहाँ पे बस ये ऐसे घुसा दिया, हो गया इसका काम, ये जो है लॉक हो चुका है। और ये हमारा SDS मशीन जो है नॉर्मल ड्रिल में कन्वर्ट हो चुका है, तो इस तरह से आप जो है नॉर्मल ड्रिल में कन्वर्ट करके इसके ज़रिए नॉर्मल ड्रिलिंग वाले काम कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ जो है सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस चक पे आप जो है 5 mm से कम की कोई भी विट जो है आप इस्तेमाल ना कीजिएगा, चाहे वो लकड़ी का हो, मशीनरी का हो, मतलब आपका और जो भी काम रहता है, छोटे बिट्स जो है इसमें टूट जाएगा, क्योंकि दिखाता हूँ मैं इसमें जो है शेक रहता है थोड़ा सा, देख रहे हो चक चक जो है थोड़ा सा हिल सकता है, और नॉर्मल ड्रिल मशीन्स में जो है हिलने का जो है सवाल नहीं रहता है क्योंकि चक जो है स्ट्रॉन्गली फिट रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो शेक आता है, तो इसकी वजह से टूटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसके साथ जब भी आपको काम करना हो इस प्रकार से अगर काम लेना है तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना और ध्यान से काम करना। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो में मैंने रप्टर के बारे में बताया इसके बारे में आपको जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।